भारत माता की जय। यह बहुत ही स्वागत योग्य है। और दूसरी बात, इस सरकार को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कहते हो कि देवभूमि है, कहते हो कि यहाँ पूरे भारतवर्ष के तीर्थयात्रियों को आमंत्रित करते हो। जब 2013 में आपदा आया, तीर्थयात्री नहीं आने लगे, तो सबका सबकी जो हालत ख़राब हुई पूरा विश्व जानता है, उस समय सबको तुम आमंत्रित करो। और यहाँ आमंत्रित करके तुम लोगों को शराब पिलाओगे, या जिस होटल में एक तीर्थयात्री टिका हुआ है उसी होटल में शराब चलेगा, उसी होटल में एक शराबी रहेगा, तो तीर्थयात्री के मन में क्या भावना जाएगा? तो इस ढंग से आघात मत करो। और ये मत समझो कि तुम्हारी जो आद्य भौतिक बुद्धि है, जिसमें केवल तथाकथित विकास रूपी विनाश है, भोगवादी संस्कृत है, वही केवल है। उससे परे आंतरिक जगत में रहने वाला जो यात्री है, तीर्थयात्री है, सात्विक व्यक्त है, धार्मिक व्यक्त है, देवत्व का आवास है, उसे तुम्हारा पहुँच नहीं है, तो वह उसकी स्तुति नहीं है। आज हम इस आंदोलन तेज करने के लिए एक महान जो क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं लंबे समय समय से माँ गंगा को बचाने का, और खनन माफियाओं के लिए जो एक जवाब है, ऐसे मार्थ सदन के अध्यक्ष शिवानंद जी गुरुदेव जी का आज आशीर्वाद प्राप्त मिला। 21वें दिन आके उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए आज हमें आंदोलन में और तेजी करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष अगर हमें ज्ञान देंगे और हमें आशीर्वाद देंगे तो वाकई हमें लड़ने की शक्ति मिलेगी। और माँ गंगा के चरणों में तो हम ये कहते हैं कि हमें ऐसी ही शक्ति दे कि माँ ऐसे मुख्यमंत्री जो देवों की नगरी में ये शराब की फैक्ट्री लगा रहे हैं तत्काल बंद करें, उन्हें भी इस गंगा माँ में ही मिलना है। हम तो सीधा कहते हैं अब भी समय है, जाग जाओ, इस गरिमा को बना के रखो, ये देवों की नगरी है।